आज इस वीडियो में इस स्टोव का सच्चाई चेक करने वाले हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि छोटा सा स्टोव पे आप कुछ भी बना सकते हैं, तो वही चेक करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा छोटा दिया हुआ है, इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया, और इसको नीचे में स्टैंड भी दिया हुआ है, स्टैंड भी बड़ा हो गया। तो इस पर हम आज मैगी बना के देखेंगे कि मैगी बनता कि नहीं है। ये मात्र 500 रुपये मिलता है, तो हमने भी खरीद लाया है इसको। इस पर हम मैगी बनाने वाले हैं। उसके लिए इसका गैस का कैन आता है, 100 से 150 रुपये का ही आता है, या 500 रुपये का भी आता है। तो दोनों 500-600 रुपये मिल जाता है। 200 ग्राम इसमें गैस रहता है। तो इसको हम लगाते हैं, मतलब ये सिलेंडर का काम करता है मेनली जो होता है। तो यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है इसका, लॉक इसमें फंसा के इसको लगाना होता है यहाँ से। इसमें कोई पाइप का जरूरत नहीं होता है, जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे इसको जस्ट रोटेट कर देना है। यहाँ गैस लग चुका है, इसमें देखिए अच्छा से बैठ गया, हिलेगा डुलेगा नहीं, कि नीचे स्टैंड दिया हुआ है, इसी में मैगी बनाएंगे। तो चलिए हम गैस को चालू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे खोलने के लिए दिया हुआ नोब इसका, यहाँ से खोल के यहाँ पे लाइटर दिया हुआ, लाइटों का प्रेस करना होता है तो आग जलने लगता है यहाँ पे। तो चलिए पहले खोल देते हैं, फिर लाइटर जलाते हैं। ये देखिए गैस जलने लगा पूरा। आपको यहाँ गैस दिख नहीं रहा होगा, कुछ हम जला के दिखाते हैं आपको। ये कुछ हाथ में है, दिखा आपको, देखिए आग जलने लगा, बहुत तेज जल रहा है यहाँ पे। इसको हम एक बर्तन रखते हैं, ऐसे मैगी बनाएंगे और देखते हैं मैगी कितना देर में बन जाता है, कितना तेज इसका आज चलता है। इसी में हम पहले पानी डालते हैं, सिंपल मैगी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ हमें नहीं डालने वाले हैं। आप वीडियो देखते रहिएगा कि इस छोटे चूल्हे पे मैगी बन पाता है या नहीं बन पाता है, आज वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक मैगी हमें लिया है, बड़ा वाला है, 14 रुपये में जो मिलता है वही वाला है। इसको हमने फाड़ लिया है, ऐसे हम डालते हैं इसको। इसका मसाला भी डालेंगे इसी के अंदर। हमने सब कुछ जुगाड़ लाया है, यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ लिया है। इसको फोड़ देंगे, इसमें नमक डाल देते हैं, नमक भी डालते हैं हम लोग मैगी में। देखिए आग बहुत तेज जल रहा है, इसको तेज भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे काफी तेज फ्लेम किया हुआ है इसका। देखते रहिए कितना बनता है। ये देखिए मैगी कितना सा बन रहा है हमारा। आपको लग रहा था कि इस छोटा चूल्हे पर नहीं बनेगा, लेकिन देखिए कितना बढ़िया काम करा। अभी इसको तेज कर सकते हैं, हमने काफी इसको कम रखा है, तभी हाल है। ये तेज करेंगे तो पर जलने लग जाएगा, इतना अच्छा है, ज्यादा इसका पावर है। ये छोटा स्टोव बहुत ही काम का चीज है, अगर कहीं कैंपिंग करते हैं, चाहे कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ में पर्वत से, अगर कहीं भूख लगता है तो बस उसको अपना स्टोव निकालिए, मैगी बनाइए, वहीं पर खा लीजिए, चाय बनाइए, चाय पी लीजिए, दूध गर्म कीजिए, जो करना है छोटा मोटा काम कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा भारी सामान नहीं रख सकते हैं, छोटा चीज है, जितना वजन सह सकते हैं उतना रख सकते हैं। बाकी आपका इसका जो फ्लेम है नॉर्मल गैस चूल्हे से काफी ज्यादा है इसका। नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं उसमें तो काफी कम निकलता है, फ्लेम उससे काफी ज्यादा है ये। देखिए ऐसे बात करते करते मैगी भी बन गया हमारा। देखिए पानी पर सूख चुका है और मैगी पूरा बन चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, और दो प्लेट लिया हुआ है, एक हम खाएंगे, कैमरामैन खाएंगे हमारे, उसके दो प्लेट लिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं। अब इसको बंद करते हैं हम। देखिए आज को बता दिया हमने, साइड रखते हैं। ये देखिए कितना हल्का है, आराम से इसको कहीं ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये गिरेगा नहीं, बहुत ही मस्त है। इसको साइड करते हैं, अब आपको हम सब दिखाते हैं। देखिए मैगी पर पक भी गया, ऐसा नहीं कि कच्चा रह गया छोटे स्टोव का। हमने एक ही पैक ही बनाया था, आप चाहे तो ज़्यादा ही बना सकते हैं। देखिए कितना बना है। तो ये आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? हमें तो बहुत बढ़िया लगा, अभी गर्म है इसलिए हाथ छूते ही जल जला है।
तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा। जो खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करके तो खरीद लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है।